अगर आप भी चिकन की एक ही रेसिपी खा खा कर बोर हो चुके हो तो ये हैदराबादी ग्रीन चिकन एक बार ज़रूर बनाना। बहुत ही झटपट बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कितना डिलीशियस बना है और इसका ग्रीन कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 कप पुदीना लिया है, 5 से 6 पालक के पत्ते लिए हैं, 1 कप हरा धनिया, 5 से 6 काजू, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 हरी मिर्ची ली है। आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो आप मिर्ची अपने हिसाब से डालना। इन सबको हम पीस कर बारीक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है, उसमें हम हमारा रेडी किया हुआ ग्रीन मसाला डाल देंगे। जार को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कटोरी दही डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यह हैदराबादी ग्रीन चिकन मसाला आज हम थोड़े अलग तरीके से बना रहे हैं। इसमें हम कोई भी अच्छे गरम मसाले नहीं यूज़ करने वाले, बहुत ही कम मसालों के साथ हम इस चिकन को बनाएंगे। अब ये चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने रखेंगे और उसमें 4 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे, उसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डाली है, तो इसीलिए हमें इसमें कोई भी अलग से मसाले ऐड नहीं करने हैं। अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। अब 4 से 5 मिनट बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो डाल देंगे, उसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। टोमेटो को हमें ऊपर से ही डालना है, बस अब हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। अब 7 से 8 मिनट बाद एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चिकन में से कितना सारा पानी छूट चुका है और हमारा चिकन भी 50% तक कुक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक डिश रखेंगे, उसके ऊपर 1 से 1.5 ग्लास पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। अगर आपको ये ग्रेवी पतली करनी है तो आप ये गर्म पानी चिकन में डाल सकते हो। अब 5 से 6 मिनट बाद मैं चिकन को चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से तर्री आ गई है चिकन पे। तो हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पे मैं एक पीस को चेक कर लेती हूँ। तो हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसमें इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और चिकन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और इसमें 1 टीस्पून जितना चिकन मसाला डालेंगे, बस इसे हमें मिक्स नहीं करना है। इसी तरीके से ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब 2 से 3 मिनट बाद हम चिकन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कसूरी मेथी की वजह से इसका ग्रीन कलर कितना अच्छा आया है और इसमें चिकन मसाला और कसूरी मेथी की वजह से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया है। अब हमारा चिकन रेडी है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारा डिलीशियस सा हैदराबादी ग्रीन चिकन रेडी है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।